वो अंग्रेजी में जिसे कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं, वही कारनामा नजमुल हुसैन शांतो ने करके दिखाया। और शांतो की उस बल्लेबाजी का असर यह था कि बांग्लादेश ने श्रीलंका से T20 में हुई हार का बदला लिया, उस मजाक का बदला लिया जिसमें श्रीलंका ने ऐसे घड़ी की तरफ इशारा करके चिढ़ाया था। वैसे श्रीलंका और बांग्लादेश की राइवलरी जो है वो इन दिनों कमाल की होने लगी है, मजा आता है। मतलब बांग्लादेश की टीम जबरदस्त क्रिकेट खेले और हिंदुस्तानी मीडिया बात ना करे इसके ऊपर तो ऐसा हो नहीं सकता। हिंदुस्तानी मीडिया भी बांग्लादेश की तारीफ कर रही है और शांतु की जबरदस्त इनिंग्स की तारीफ की जा रही है, मुशफिकुर रहीम की जो जबरदस्त इनिंग्स है इसकी तारीफ की जा रही है, जबरदस्त पार्टनरशिप जो बनाई है शांतु ने मुशफिकुर रहीम के साथ इसके ऊपर भी बात की जा रही है और हिंदुस्तानी मीडिया खुल कर बात कर रहा है बांग्लादेश की क्रिकेट के फ्यूचर के ऊपर, बांग्लादेश के कैप्टन के ऊपर, बांग्लादेश के शांतु के ऊपर। तो आज इसी हवाले से वीडियो है कि भारतीय मीडिया बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बारे में क्या बात करता है, तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चले वीडियो शुरू करते हैं जी, 1 2 3 गो। वो अंग्रेजी में जिसे कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं, वही कारनामा नजमुल हुसैन शांतो ने करके दिखाया। और शांतो की उस बल्लेबाजी का असर यह था कि बांग्लादेश ने श्रीलंका से T20 में हुई हार का बदला लिया, उस मजाक का बदला लिया जिसमें श्रीलंका ने ऐसे घड़ी की तरफ इशारा करके चिढ़ाया था। वैसे श्रीलंका और बांग्लादेश की राइवलरी जो है वो इन दिनों कमाल की होने लगी है, मजा आता है मतलब इस मैच को कवर करने में, देखने में, क्योंकि दोनों साइड से एग्रेशन जो है वो फूट फूट कर आता है। लेकिन इस मैच में ऐसा लगा था कि शायद बांग्लादेश को एम्बैरेस होना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश की शुरुआत बड़ी खराब थी। लिट्टन दास एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने माथे पर सजा गए यार, पहली बॉल पर आउट होकर चले गए और उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड हुआ जिसके बारे में बात करेंगे। सौम्य सरकार हमेशा की तरह फ्लॉप रहे, रिदवाई भी नहीं चले, लेकिन तब कप्तान ने जिम्मेदारी संभाली, कहा कि रुको जरा सबर करो, और उधर महमूदुल्ला और मुशफिकुर रहीम ने कहा भरोसा रखिए जी, पुराने खिलाड़ी माना उम्र बड़ी हो गई है लेकिन टैलेंट जवान है, और उस जवान टैलेंट का असर है कि जो बांग्लादेश 23 रनों पर 3 विकेट गिराकर संघर्ष कर रही थी, जो श्रीलंका 255 बनाने के बाद बांग्लादेश पर चढ़ गई थी, उसे हार का सामना करना पड़ा और बांग्लादेश ने लगभग 6 ओवर रहते हुए यह मैच आसानी से जीत लिया और T20 में हुई हार का एक बड़ा बदला। हालांकि ऐसा लगता है कि श्रीलंका के लिए 13 तारीख जो है वो मनहूस दिन है, क्योंकि 13 मार्च को 3 मैच उनके हुए हैं और तीनों मैच वो हार चुके हैं। पहली बार मीरपुर में हुआ था, इंडिया के साथ मुकाबला साल 2012 में वो हार गए थे, दूसरी बार साउथ अफ्रीका के साथ उनका मुकाबला हुआ 13 तारीख को, वहां पर वो हारे, और अब बांग्लादेश के साथ उनका मुकाबला हुआ, यहां पर भी वो हार गए। श्रीलंका की तरफ से एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो जैनत की तरफ से आई थी, जिन्होंने 3rd हाफ सेंचुरी मारी और अच्छी बात है कि 4 इनिंग में उन्होंने कर दिया। ये कारनामा सबसे तेज था क्योंकि रॉय और कुशल मेंडिस 4-5-6-6 पारी में कारनामा कर पाए, तो 4 मैच खेलकर 3 अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड जो है वो कमाल हो गया। इस मैच में एक शॉकिंग चीज और थी कि मुशफिकुर को ड्रॉप कर दिया गया था, तो वो भी थोड़ा हैरान करने वाला था कि यार उन्हें ड्रॉप क्यों किया गया। और बाकी इस मैच में एक कहानी जो और आई वो ये थी कि बांग्लादेश के लिए डक के मामले में लिट्टन दास जो है वो नंबर 2 हो गए। हाँ, बांग्लादेश के लिए आज पहली बॉल पर आउट हुए। सौम्य सरकार 5 बार ऐसा कारनामा कर चुके हैं, अनामुल हक 6 बार कर चुके हैं, इसके अलावा नफीस 9 बार, 12 बार लिट्टन दास ये कारनामा कर चुके हैं, और तमीम इकबाल जो है वो 19 बार इसका शिकार हो चुके हैं। बांग्लादेश ने ये मैच में टॉस हारा और उन्हें गेंदबाजी करने का मौका मिला, श्रीलंका जो थी वो पहले बल्लेबाजी करने उतरी, और श्रीलंका की एक्चुअली शुरुआत बड़ी बेहतरीन थी। श्रीलंका ने 9 ओवर में 70 से प्लस रन बना दिए थे और जबरदस्त पारी जो है वो दोनों ओपनर, चाहे वो निसंका हो या फिर फर्नांडो हो, दोनों ने दी। लेकिन फिर आखिरी बॉल जब 10वें ओवर की आती है तो वहां पर विकेट गिर जाता है फर्नांडो का, तब 7 प्लस स्ट्राइक रेट हर ओवर में चल रहा था। इसके बाद कुशल मेंडिस आते हैं, कुशल मेंडिस जिन्होंने T20 क्रिकेट में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, जबरदस्त फॉर्म अपनी दिखाई थी और उस फॉर्म को उन्होंने वनडे क्रिकेट में भी कंटिन्यू किया। एक अच्छी पार्टनरशिप
शुरू होती। उससे पहले दूसरे ओपनर जो है निसंका, वो भी एक रन पर अपना विकेट गवा लेते, मतलब 71 पे पहला गिरा था, 72 पे दूसरा गिर जाता है और बांग्लादेश को यहां पर एडवांटेज मिलता है। इसके बाद विकेटों के गिरने का सिलसिला लगातार चलता है। समर विक्रमा जो है वो अपना विकेट गवाते हैं, असलंका के साथ छोटी सी पार्टनरशिप होती है वो विकेट गवाते हैं, लेकिन फिर जैनत और कुशल के बीच में एक अच्छी खासी पार्टनरशिप होती है। जैनत जिनके बारे में हमने आपको बताया कि केवल 4 वनडे मैचेस खेले हैं जिसमें से 3 अर्धशतक लगा चुके हैं और अपने ही कप्तान का रिकॉर्ड जो है उन्होंने तोड़ा है। कुशल मेंडिस ने कारनामा 6 मैच के बाद किया था, लेकिन बाकी जो प्लेयर थे हसरंगा तीक्ष्णा, वो बल्लेबाजी में वो दमखम नहीं दिखा पाए। और जो श्रीलंका 36 ओवर में 195/4 थी, वो फिर 250 पर सिमट जाती है, मतलब आखिरी के 6 विकेट जो 50 रन बनाते हैं, पूरे 50 ओवर मैच नहीं खेल पाते हैं। और यहां से बांग्लादेश को एक बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। बांग्लादेश के तीनों जो गेंदबाज थे उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की। शरफुल इस्लाम ने 3 विकेट निकाले, 3 विकेट तस्कीन ने निकाले और 3 ही विकेट जो है तंजीम हसन ने निकाले, और इन्हीं की वजह से आसानी से ये मैच फंस गया। हालांकि श्रीलंकाई गेंदबाजों ने भी जबरदस्त शुरुआत की थी। मधुशंका जिन्हें मुंबई इंडियंस ने लिया है, वो कहर गेंदबाजी कर रहे थे। 8 ओवर 1:44 रन, शुरुआत में 2 विकेट निकाले। लट्टन दास को थैंक यू कर दिया उन्होंने, उसके बाद सौम्य सरकार को आउट कर दिया। इसके बाद मधुसूदन आए, उन्होंने हृदय को आउट कर दिया और यहां पर लगा कि मैच जो है वो शायद फंस जाएगा, क्योंकि शुरुआत में दोनों गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की। लेकिन फिर महमूदुल्ला ने थोड़ी सी पार्टनरशिप संभाली और 37 बॉल पर 37 रन बनाए। लहरू कुमारा के विकेट जब उन्होंने लिया तब बांग्लादेश का स्कोर 92/4 था, लेकिन फिर मुशफिकुर रहीम और नजमुल हसन शांतो ने कोई मौका नहीं दिया और इन दोनों ने जबरदस्त गेंदबाजी की। मतलब जितने भी गेंदबाज थे, चाहे वो तीक्ष्णा हो हसरंगा हो, बल्लेबाजी किस तरह की जाती है वो इन्होंने दिखाया और एक गंभीर पारी खेली, जिसका असर यह था कि बांग्लादेश ने यह मैच आसानी से जीत लिया और कैप्टन जो थे वो कमाल के रहे। बीते 12 महीनों में शांतो का ये 300 है। तो जी युवा, ये थी वीडियो और आपने देखा हिंदुस्तानी मीडिया बांग्लादेश की तारीफ कर रहा है, बांग्लादेश की जीत के ऊपर तारीफ कर रहा है और शांतु की तारीफ की जा रही है कि लिटन दास जिस तरह आउट हुए उसके बाद देखे तो 3 विकेटें गिर चुकी थी बहुत ही कम रन पे पावर प्ले के अंदर ही, और उसके बाद शांतु ने जिम्मेदारी ली और मुशफिकुर रहीम ने बताया कि मैं पुराना खिलाड़ी हूँ, बूढ़ा नहीं हुआ, टैलेंट जवान है। टैलेंट के बलबोते पर मुशफिकुर रहीम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं मुशफिकुर रहीम और क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेलते हैं, बड़े बड़े बॉलर को भी बहुत ज़्यादा पटाई करते हैं उसकी। और मैंने देखा कि जिस तरह वर्ल्ड कप के अंदर इनकी इनिंग्स रही है हिंदुस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हुए नज़र आते हैं, यही वजह है कि अब तक वो टीम में मौजूद हैं। इनका टैलेंट बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर जो एग्रेसिव है वो बहुत ज़्यादा है और हमें लंबे अरसे तक खेलते हुए नज़र भी आए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इनकी फिटनेस है कि वो आज तक टीम में हिस्सा ले रहे हैं। और साथ ही साथ शांतु जो यंग कैप्टन है वो ज़बरदस्त इनिंग्स खेल रहे हैं और जितनी भी पिछली हम उसकी इनिंग्स देखें तो वो ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए बांग्लादेश की तरफ से नज़र आ रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।